बड़ी अपडेट की ओर आपको बता दें कि गेसड़ी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर हाजी अलाउद्दीन खां को अपना प्रत्याशी बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि हाजी अलाउद्दीन खां तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी से यहां प्रत्याशी बने। 2007 में आपको बता दें कि उन्हें बीएसपी की तरफ से टिकट मिली थी और वो विधायक बने थे। उसके बाद 2012 में और 2017 में उन्हें चुनाव हारना पड़ा था और 17 में फिर से आपको बता दें कि बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया है। हाजी अलाउद्दीन आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी से मात्र 2000 वोटों से हार गए थे जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के हालात कुछ बदले हैं और बहुजन समाज पार्टी यहां से मजबूत भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा सीट जो कि बलरामपुर लगती है वहां से जीत भी हासिल की है। तो बीएसपी का यहां से सांसद है और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार ये सीट जीत कर आए, क्योंकि हाजी अलाउद्दीन खां पिछली बार इस सीट पर मात्र 2000 वोटों से हार गए थे। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार उनका प्रबल दावा बना जा रहा है। एपी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।